तो हे गाइस, तुम सभी का स्वागत है पोकेमोन ग्लेस के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। सो गाइस, पिछले एपिसोड के अंदर हमने दो अलाइट फोर मेंबर्स को हराया था जिसका नाम था विटनी एंड थर्ड अलाइट फोर मेंबर जिसका नाम था पोवेल। और आज हम चौथे अलाइट फोर मेंबर एंड हो सके तो चैंपियन को भी डिफीट कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपने पोकेमोन्स की लेवल दिखाना चाहता हूँ जो कि भाई रॉकेट फाड़ है। तुम देख सकते हो मेरा क्यूरम लेवल 84, अभी बता दूंगा, अभी लेटियास लेवल 85, मॉरर का भी बता देता हूँ। मैं जरा हील कर लूँ पोकेमोन्स को अपने, उसके बाद तो बता दूंगा कितने कितने लेवल के हैं और हैं। ओके ओके, अरे पैरालाइज हो रखा ना वो, शिट, एक मिनट रुको। ओके, तो है मॉरर मेरा 85 लेवल का एंड मेरे पास कुकीज पड़ी होंगी, या ये रही कुकीज। एंड मेरा अबॉबी है लेवल 90 का। तुम देख सकते हो काफी ज्यादा सुपर फाड़, रॉकेट फाड़ मैंने पोकेमोन्स की लेवल अप कर दी है। जो मैंने पहले ट्रिक यूज करी थी वही ट्रिक मैंने इस बार यूज करी हुई है। सो टेंशन लेने वाली बात क्या क्यों वो कोई भी नहीं है कि मैंने पोकेमोन की लेवल अप कैसे करी। मैं वापस से बैटल हार गया था क्योंकि मेरे को सामान लेके आना था गाइस। तो तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोगों ने बता दिया कि नेक्स्ट जो अलाइट फोर मेंबर्स के पास कौन कौन से पोकेमोन होने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैं अपनी टीम के अंदर पिकाचू ले आया हूँ और म्यूटू को वापस छोड़ के आ गया हूँ क्योंकि म्यूटू का इतना काम नहीं हो रहा था। सो जो नेक्स्ट जिम है वो है, मतलब अलाइट फोर मेंबर है, वो यूज करेगा वाटर टाइप पोकेमोन। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी कर ली है और हाँ, हम बिल्कुल रेडी हैं फाइट करने के लिए। जिसके पास है शाइनी स्वीकोन, I wasn't expecting a trainer today. Well, it's good to finally get some action. My name is Usain and I train the water type. My buddy Suicune helps out too. Are you ready to battle me? So guys, क्या तुम ready हो आज की इस epic battle को देखने के लिए? क्योंकि मैं तो guys बहुत ही ज़्यादा ultimate वाला ready हूँ। मुझे नहीं पता आज के episode में क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा जबरदस्त होगा क्योंकि battle is going to be very awesome. ओके, सबसे पहले आ चुका है गैराडॉस। तो शुरुआत करना चाहूंगा मैं सोलह बीम से। मैं चाहता हूं कि एक ही शॉट में इनके सारे पोकेमोन ऑलमोस्ट चले जाए क्योंकि ये जो सारे के सारे लाइट फोर मेंबर्स हैं ये बहुत ही गंदी ट्रिक यूज करते हैं। मैं बहुत ही मुश्किल से इनकी लेवल कम करता हूं और ये हाइपर पोशन लगा के मेरी सारी की सारी उम्मीदों पर कचरा फेर देते हैं। तो मैं चाहता हूं एटलीस्ट दो या तीन मूव में इनको हरा दूं और इनको बिल्कुल मौका ना दूं वापस से हेल्थ को गेन करने का। समझ रहे हो ना भाई मेरी बात? 16 एम की पावर इकट्ठी हो रही है फिलहाल के लिए। ओके, अर्थक्वेक में मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता मेरे को पता नहीं। ओके, नहीं नहीं नहीं, ओके, अर्थक्वेक का पेपर ज्यादा असर नहीं हुआ है। उपसो की 16 बीम से गैराडॉस की फुल हेल्थ चली जाए क्योंकि फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। भले ही मेरी पोकेमोन की लेवल हाई है लेकिन भाई इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और गाइस, बात ही करते करते हम लोगों ने गैराडॉस को बहुत आसान से तो नहीं बोल सकते लेकिन हमने यहाँ हरा दिया उसको। नेक्स्ट पोकेमोन है स्वैम्पर्ट जो कि है एक वाटर एंड ग्राउंड टाइप पोकेमोन। तो उसके हिसाब से देखो मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं कौन सा पोकेमोन यूज करूँ। तो यूज करने को मैं ग्रास टाइप यूज कर सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ही इफेक्टिव होगा, तो मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, बस मेरे को एक काम ये करना पड़ेगा, इसकी हेल्थ को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होइन स्टार्टर वर्सेस होइन स्टार्टर वर्ल्ड बैटल होने वाली है। तो मैं बॉबी की पूरी हेल्थ मैंने जी जनरेट कर ली है। सो या, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने अटैक। सोलह भी नहीं यार, ओके, लीव ब्लेड से ट्राई करते हैं। ग्रास टाइप इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, देखते हैं कितना असर होता है हमारा। 90 का लेवल का है हमारा। ओके, वन शॉट किल गाइस, वन शॉट किल। मेरा लेवल अप करना यार काफी अच्छा हो गया। शायद से मेरे को लगता है कि इस गेम के अंदर ये आखिरी रीजन है आई गेस, उसके बाद कोई और रीजन नहीं है शायद से, मेरे को ऐसा लगता है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि आगे और भी पोकेमोन के लीग है या नहीं है। तो या, अब आ नेक्स्ट पोकेमोन है स्टारमी। तो उसके लिए मैं देखो मैं यूज करने वाला हूँ, कौन सा यूज करें यार? ओके, मैं पिकाचू को यूज कर लेता हूँ। पिकाचू को हमने अभी तक बैटल में यूज ही नहीं किया, वो भी एलाइट फोर मेंबर में। और ये पिकाचू का वाला बहुत ही स्पेशल पिकाचू है जो कि हम पे ट्रस्ट करके आया है कि
माय गॉड गाइस, हमारे पोकेमोन के लेवल बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या उसका अटैक हम पे ये स्टार्मी इलेक्ट्रिक टाइप मूव यूज कर सकता है। व्हाट द हेक गाइस, कोई बात नहीं, हमने हमसे पंगे लिए हैं, हम तुम्हारी चड्डियां उतार देंगे यहाँ पे। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, तुम सबका सपोर्ट है तो हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन रिकॉइल का असर हुआ है पिकाचू के ऊपर, जो कि गाइस अच्छी बात नहीं है, हमारा ही एडवांटेज था। नेक्स्ट पोकेमोन है माइलोटिक। तो भाई देखो, माइलोटिक एक वाटर पोकेमोन है एंड आई गेस वाटर, ये ठीक है वाटर ही है। तो हमारे अकॉर्डिंग फिर तो अबोबी को यूज करना बिल्कुल सही रहेगा, फायदेमंद रहेगा। कि तुम्हें पता है सेप्टाइल बहुत ही ज्यादा औसम पोकेमोन है, तुम्हें पता होना चाहिए भाई, सेप्टाइल अपना बीस्ट पोकेमोन है अगर भाई बात बैटल पे आए तो। तो देखते हैं ये 1182 के अगेंस्ट का टिक पाएगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर एलाइड फोर मेंबर्स के 82 तक के पोकेमोन है तो जो चैंपियन है उसके कितने लेवल के पोकेमोन होंगे, ठीक है। और अगर इस गेम में और भी गेम है तो उनके लेवल तो 100 लेवल तक के होंगे। तो मतलब कि अगर मैं आगे की लीग खेलता हूँ और अगर इसमें है आगे की लीग, तो फिर तो इस हिसाब से जितने भी ट्रेनर्स आएंगे सबके पोकेमोन लेवल 100 होने वाले हैं, ऐसा मेरा सोचना है। तो देखते हैं क्या सीन बैठता है। 16वीं में इकट्ठी हो रही है फिलहाल के लिए, सनलाइट है। वैसे अगर लीव ओके, ये भाई बैकग्राउंड क्या मस्त लग रहा सही में। ये वन शॉट किल होगा, यस ये वन शॉट किल ही था गाइस, ये वन शॉट किल ही था। ओके नेक्स्ट पोकेमॉन आई गेस साइनी शुकुन, स्वीकुन सॉरी, मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ यार सही में। ओके तो हमें भी इसको वन शॉट किल में मारना है किसी भी हालत में, क्योंकि भाई स्वीकुन तो लेजेंडरी पोकेमॉन है, 20 पोकेमॉन है। ओके मैं गया काम से, मैं गया काम से। ओके भाई बच गया मैं, लेकिन फ्रीज हो गया, मेरा अटैक काम नहीं आएंगे, शिट। ओके मेरे पास इसका भी एक इलाज है वैसे, फुल रिस्टोर द एचपी रिस्टोर स्टेटस ऑफ पोकेमॉन। तो हम ये करेंगे, या तुम शेर तो हम सवा शेर हैं, ठीक है तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं भाई, तुमने समझ क्या रखा है हमको। लो भाई निकलो पहली फुर्सत में। गाइस ऐसी करते करते हमने फाइनली हरा दिया फोर्थ एलाइट फोर मेंबर को। अब बारी है चैंपियन से फाइट करने की। ऑल दैट यू फेस नाउ इज अ चैंपियन, चैंपियन आई विश यू द एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस अब बारी आ चुकी है फाइट करने की यहाँ के चैंपियन से। तो मेरे को पूरा रेडी रहना है, मेरे को नहीं पता चैंपियन के पास कौन से पोकेमॉन होने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारी एंट्री हो बहुत ही जबरदस्त हो। तो अपने टीम के सबसे पावरफुल मेंबर यानी कि इन्फर्नीप के साथ मैं बैटल करने वाला हूँ। ओके क्रिस डिड यू गेट चिल अप योर स्पाइन एज योर क्लाइम दोज स्टेप्स, आई डिड द सेम व्हेन आई चैलेंज द चैंपियन माई सेल्फ, वेयर आर माई मैनर्स, माई नेम इज क्रिस, आई एम चैंपियन ऑफ कोर्स, आई होप यू रेडी टू बैटल विद द स्ट्रॉन्गेस्ट इन जोटक कोर्स, यशिकांत। ओके तो इसके पास फ्रेजिलेटर है, एक बात तो कन्फर्म हो गई है। तो मतलब फ्रेजिलेटर के लिए मेरे को अबोबी को सेव करके रखना पड़ेगा गाइस, समझ गए ना, मतलब मेरे को सेव करके रखना पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़िया फर्स्ट पोकेमॉन इन्फिनिट चूज करने का, क्योंकि सामने है हैक्रॉस और अपर है फायर टाइप। तो ये जो बीटल है वो जल के राख होने वाला है, सही बता रहा मैं, जल के राख होने वाला है। और पता नहीं क्यों लेकिन मेरे अंदर आज बहुत ही एनर्जी आई हुई है कि मैं चैंपियन बनने वाला हूं, इसलिए। ओबे ये क्या बात हुई भाई, हेराक्रॉस ने एक ही शॉट में मेरे को मार दिया, मैं देखा ही नहीं भाई साहब, ये बात तो भाई गलत हो गई, मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। चलो कोई बात नहीं, अपन के पास मॉनर है तो अब मॉनर देख लेगा। ओके सर, अरे भाई मेरे को अब चेंज करना पड़ेगा यार, शिट गलती हो गई यार बहुत बड़ी। ओके ग्रास टाइप है तो वॉर टाइप तो असर करेंगे नहीं, तो लेट्स यूज लेट यास। भाई यार है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई, मेरे को क्या लगता है कि इसके पास कहीं सारे के सारे स्टार्टर पोकेमॉन तो नहीं, मेरे को लग रहा है ऐसा, बाकी जो का देख लेंगे। उसके ऐसे लीड सीट फैल दी है, मतलब ये हमको हराने के पूरे मूड में है, सही बता रहा हूं मैं।
पूरे मूड में ही हमको हराने के। ओके लीड सीट से हमारी हेल्थ जा रही है, फेल्ड हो गया उसका अटैक। लेकिन भाई तुम चिंता मत करना, अपन भी चैंपियन है टू नोट रीजन के, तो हम भी इसको दिखा देंगे कि इसने पंगे किससे लिए हैं भाई सही में। या हम अभी भी इस मैच को जीत सकते हैं गाइस। देखो भाई मैं तो फुली रिस्टोर करने वाला हूँ खुद को, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को नहीं हारना भाई इससे, मेरे को बिल्कुल नहीं हारना इससे। ओके लेट्स यूज अगेन फ्लाई। अब तो गई काम से आई थी आई गेस, यस राधियम्ने से। तो उसका लीड सीट का सेट भी चला गया होगा वापस से। ओके हेरा क्रॉस अगेन अगेन हेरा क्रॉस। ओके तो मैं नहीं चाहता अभी। ओके अगेन बैक अगेन फुल रिस्टोर अगेन। ओके तो हेरा क्रॉस में मैं सोच रहा हूँ कि ड्रैको मीटर यूज कर लिया जाए, अगर काम कर गया तो। पर तो करना चाहिए वैसे इसके ऊपर, देखते कितनी हेल्थ जाती है इसकी। ओके जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही चली गई हेल्थ इसकी। सही है, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी भड़के इसने अटैक किया है, मेरे को कोई गिल्ट नहीं है इस चीज़ का। अगेन ड्रैको मीटियोर और बच गया यार ये, शेट। चलो कोई बात नहीं, अपन के पास फिर तो क्यूरम है ही, देख लेंगे भाई। ये ब्लिजर्ड या खेल खत्म इसका। ओके नो प्रॉब्लम। अगला पोकेमोन है गार्चॉम। या गार्चॉम है ना, अब हुई ना बात असली, अब आएगा ना अपना मॉनर बीस्ट भाई। तो देखते हैं इसके। ओके इसके सभी चार पोकेमोन बच्चे हुए हैं। ओके शुरुआत करना चाहूंगा मैं सर्फ से, बस इसका आउटरीच मेरे महंगा ना पड़ जाए सही में। यार ये क्या, ये बात क्या थी यार। चलो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अपन के अटैक भी इतने मामूली अटैक नहीं है। ओके हाइपर पोशन यूज कर लेता हूँ मैं अपने ऊपर, बस दोबारा से आउटरीच आउटरीच को यूज ना कर ले। अरे यार हार गए हम लोग। अरे हाँ यार अपन के पास ये है तो लिजर्ड। अरे यार नहीं 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 अरे यार भाई ये बहुत महंगा पड़ते जा रहा है हम पे, मतलब भारी पड़ते जा रहा है। तो मेरे को पता है क्या करना चाहिए, मेरे को रिवाइव कर लेना चाहिए। एक तो रिवाइव कर लो यार, देखो वानर को फिलहाल के लिए एक रिवाइव। अरे भाई यार चलो तो कोई बात नहीं, फिलहाल देखा जाएगा जो होगा। 16 बीम काम करना चाहिए ना इसके ऊपर, यह काम कर गया फाइनली। मेटाग्रॉस के लिए कौन सा यूज करूं, मॉनर यूज कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हार सकता हूँ, सही बता रहा है मैं यहाँ पे हार सकता हूँ। तो मेटाग्रॉस है एक स्टील एंड साइकिक टाइप, तो उसकी वीकनेस की बात करें तो वीकनेस उसका फायर ग्राउंड हो सकते हैं। तो भाई देखो ग्राउंड में मेरे पास अभी अर्थक्वेक पड़ा हुआ है, होप सो कि काम कर जाए और वन शॉट किल हो जाए, तो भाई मजा आ जाएगा कसम से। प्लीज वन शॉट किल, वन शॉट किल, मेरे को फायदा होना चाहिए। अरे यार ने भी अर्थक्वेक यूज कर दिया, मैं तो गया काम से। तो मेरे को ना चाहते हुए भी अब अपने पोकेमोन को कुछ रिवाइव करना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। इससे अच्छा एक काम है कि अपने ज़्यादा पोकेमोन को मैं हील कर पाऊँ, इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ बॉबी को। पहले फुल रिस्टोर एंड देन वापस बैग में जाओ। वापस से मेरे रिवाइव कहाँ गए सारे के सारे रिवाइव, ये रहे रिवाइव मेरे अपने को रिवाइव। उसके बाद किसको करें, उसके बाद कर लेते हैं वापस से मॉनर को रिवाइव। उसके बाद किसे रिवाइव करें, उसके बाद कर लेते हैं लेडियास को रिवाइव, और यही गया काम से। इन्फनेप को यूज अगेन डिग एटलीस्ट उसके। अरे नहीं यार मेरा फायदा क्या हुआ फिर, ये भाई बहुत बुरा होते जा रहा है मेरे साथ। लो ये भी गया, मैं यहाँ पे गेम को सेव कर लेता हूँ, अगर मैं गलती से मर गया तो एटलीस्ट मैं वापस तो आ जाऊँगा, है ना भाई सही बात है ना। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्लाई, होप सो कि हम जीत जाएँ। नहीं ड्रैगन क्लॉ, हाँ अभी भी जीत सकते हैं। यप गैस गाइस। ओके अगला पोके इसका है आर्कनाइन, तो मेरे को एक वाटर टाइप पोकेमोन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ रिवाइव एंड वॉनर को रिवाइव कर लेते हैं हम। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बैग में जाते हैं अगेन, फुल हील यूज़ करते हैं अपने मॉनर के ऊपर। अरे फुल हील सॉरी, क्या ये हाइपर पोशन,
ऊपर एंड जाते जाते उसको थोड़ा बहुत डैमेज कर जाते हैं हम लोग के नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तो होप सो कि जो मेरा सर्फ काम कर जाए। ओके प्लीज काम कर जाए। यप गाइस वी कैन डू इट, हम इसे अभी भी हरा सकते हैं। ओके लास्ट पोकेमोन है फ्रेजिलेटर। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, मैं सेम ट्रिक यूज करने वाला हूँ। फुल रिस्टोर से मैं पहले मॉर को रिस्टोर करूंगा एंड देन रिवाइव यूज करूंगा। कहाँ गया रिवाइव? रिवाइव से जिंदा करूंगा बॉबी को, वापस से बैंक में जाऊंगा एंड वापस से हाइपर नहीं सॉरी फुल रिस्टोर यूज करूंगा बॉबी के ऊपर, ठीक है। और बैकअप के लिए मैं क्या करता हूँ कि बैकअप रिवाइव, बैकअप के लिए मैं रख लेता हूँ अपने पास पिकाचू को जस्ट फॉर बैकअप रीजन। एंड अब हम अबॉबी को यूज करते हैं एंड या अब हम बिल्कुल रेडी हैं। अरे यार मेरे पास लीव ब्लेड खत्म ही हो गए ऑलमोस्ट। शेट यस गाइस फाइनली हम लोगों ने हरा दिया चैंपियन को, वो भी हम लोग गाइस दो रीजन के चैंपियन बन चुके हैं। फाइनली मैं चैंपियन बन गया। आई लॉस्ट, आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द डे आई लूज, बट आई एम नॉट सैड नाउ। आई एम ऑल चार्ज अप फ्रॉम अवर ग्रेट बैटल। आई एम नो लॉन्गर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन जोटो। यू आर कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू मस्ट कम विद मी, वी आर गोइंग टू डू रजिस्टर यू इन द हॉल ऑफ फेम। आई एम प्राउड ऑफ यू फ्रेजिलेटर, टेक रेस्ट इन साइड ऑफ योर पोकेबॉल। ऑल राइट रेडी वेन यू आर, मैं तो रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ मैं। तो गाइस ये हमारा सेकेंड हॉल ऑफ फेम होने वाला है इस गेम के अंदर। ओनली द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट हैव बीन इन हियर, प्लेस योर पार्टी ऑन दिस मशीन टू हैव योर फीस रिकॉर्ड फॉर इटर्निटी। तो हमारे पोकेमॉन रजिस्टर हो रहे हैं यहाँ पे और ये इटर्निटी एक तरीके से रजिस्टर रहेंगे यहाँ पे। ओके इस गेम में वैसे इन से बाकी पोकेमॉन में होता है। हेनरी चिराग वी फाउंड आउट वेयर पीयूष एंड रजीना वेंट, यू आर गोइंग टू हेल्प आउट राइट, मीट अस एट द एवरग्रीन टाउन व्हेन यू आर रेडी, थैंक्स सो मच। सो गाइस हम अभी अभी चैंपियन बने हैं और अभी अभी हमारे पास काम आ चुका है, तो हम चलते हैं फटाफट से एवरग्रीन में और वहीं पे करेंगे। वेट अ सेकंड, एवरग्रीन का है ये पियरा, एवरग्रीन टाउन, और वहीं पे हम लोग एपिसोड को एंड करेंगे। सो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं एवरग्रीन टाउन के अंदर और यहाँ पे हम लोग अपने पोकेमोन को हील करेंगे। सो गाइस जो नेक्स्ट एपिसोड है वो थोड़ा लेट आएगा, मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ गेम से एटलीस्ट कुछ दिन के लिए, और मैं कुछ रेगुलर वीडियोस डालना चाहता हूँ जो कि मेरे चैनल की पहचान है ही। सो मैं तुम्हें एक टारगेट देना चाहता हूँ, अगर जैसे ही इस वीडियो के ऊपर है सुनना, जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 15,000 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, मैं अगला एपिसोड इस गेम का ले आऊंगा। और जब तक इस वीडियो पे 15,000 व्यूज कंप्लीट नहीं होते तब तक इस गेम का अगला पार्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये बात ध्यान रखना। सो प्लीज टारगेट को जरूर जरूर पूरा करना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।